लोगों को बॉलीवुड में एंट्री बड़ी मुश्किल से मिलती है, आप इतनी कम उम्र में हॉलीवुड पहुंच गए। देखिए ये सब भाग्य का बात है, किस्मत का बात है। 3 साल में मैंने लगभग 250 या 300 ऑडिशन दिए होंगे। 300 फेलियर्स के बाद वो एक ब्रेक मिला। माय नेम इज खान जो रोल मुझे मिला वो 1 साल के ऑडिशनिंग के बाद मिला। तकरीबन 100-150 रिजेक्शन हुए होंगे। व्हाइट टाइगर में जी बलराम हलवाई का रोल प्ले कर रहे थे, तो आपने कई जगहों पे सच में काम किया था ऐसा लोग बताते हैं। साकेत में मैंने काम किया था, साकेत कोर्ट के पास एक रेडी है छोटी सी, तो मैं प्लेट धोता था, झाड़ू पोछा लगाता था, और जो सुबह उनको जो सामान लगते थे उनके कुकिंग के लिए वो मैं उनके लिए लाता था। जो मैं हॉस्टल डेज की बात कर रहा हूँ, तो क्या कारण रहा उसको ना कंटिन्यू करने का? हर किरदार की एक शेल्फ लाइफ होती है, और मेरे लिए अंकित पांडे की शेल्फ लाइफ वहाँ खत्म हो गई थी। आपने जब ये फिल्म शूट की, माय नेम इज खान, इस पूरी शूटिंग के दौरान आपकी शाहरुख खान से मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं हुई शाहरुख खान से मुलाकात। मेरी शाहरुख खान से मुलाकात किस्मत से पिछले साल दिसंबर में हुई, आर्चीज की प्रीमियर के बाद। शाहरुख खान के बैन पीछे तक है, आपके पैर क्यों कांप रहे थे जब आप उनसे मिल रहे थे? यार अब बचपन से जिनको आपने टीवी पे देखा हो और पॉप कल्चर का उतने बड़े पार्ट हो, तो पैर तो थोड़े थोड़े बहुत तो कांप ही जाते हैं। आदर्श आपका नाम है, गौरव किसका नाम है? गौरव भी मेरा ही नाम है भाई। तो आगे आप ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं या निभाना चाहते हो, या ऐसा कोई कैरेक्टर आपके साथ जुड़ा हो जो आप करना चाहोगे? मिस्टीरियस लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है, जिनको आप पहली मीटिंग में समझ नहीं पाते हो। मेरी बस यही एक तमन्ना है कि मैं बस ऐसे लोगों के साथ काम करता जाऊं जो थोड़े ऑफ हैं। सेंसोडेन के प्रेजेंट्स ललन टॉप अड्डा, को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट, आईटेल, सेंटर फॉर साइट, हायर टूरिज्म पार्टनर मध्य प्रदेश टूरिज्म, सेलिब्रेशन पार्टनर मॉर्फियस, डेयर टू ड्रीम, SLS और पैराबेंगोन। तो उसका करंट ऑन, व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें डूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। और अब स्टेज पे बुलाएंगे कमाल के एक्टर और उतने ही तगड़े सिंगर आदर्श गौरव को। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदर्श। तो मैंने आपको ये हिंट तो दे दिया है कि गाना सुने बिना तो इन्हें जाने नहीं देना है। ओवर टू यू अभिनव। हमारी ललन टॉप पब्लिक आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी आदर्श। मैं भी बड़े देर से इंतजार कर रहा था स्टेज पे आने के लिए। आदर्श की एक बहुत कमाल की फिल्म आने वाली है। हाँ जी, सुपर हीरो ऑफ मालेगांव, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। हाँ हाँ हाँ। क्या है इसकी कहानी और बड़ी चर्चा है इसको लेकर के? मालेगांव में सारी शूटिंग हुई है? जी जी, हमने नासिक और मालेगांव में इसकी शूट की थी। ये कहानी दरअसल ऐसे लोगों के बारे में है जो फिल्मों के बारे में कुछ नहीं जानते। उनका एक सपना होता है कि उन सबको मिलकर एक फिल्म बनाना होता है, लेकिन वो अलग अलग किस्म के काम करते हैं। कोई मिल में कारीगर होता है, किसी की वीडियो पार्लर होती है, किसी की चने की दुकान होती है। और कैसे ये 6 से 7 नौजवान लोग, एक उनका एक सपना होता है और उस सपने को पूरे करने के लिए निकल पड़ते हैं और उस सपने को पूरा करते हैं। तो बहुत इंक्रेडिबल कहानी है। और रीमा काकती, जिन्होंने इसके पहले गोल्ड और दहाड़ बनाई है, वो इसकी निर्देशक हैं। जोया अख्तर इसकी प्रोड्यूसर है। और हमने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसकी प्रीमियर की 2 महीने पहले, और बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हमें। और मैं आशा करता हूँ कि जब फिल्म यहाँ भी रिलीज़ हो थिएटर्स में, फरवरी में रिलीज़ हो रही है, मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी। आदर्श एक बात बताइए कि जैसे मैं देखता हूँ जब आपकी जर्नी, आप जमशेदपुर में पैदा हुए और जो आपने फिल्म बना रहे, नहीं कमोबेश इसके आसपास है, आपने भी बहुत सारे रिजेक्शन झेले उस समय, कई सारे रियलिटी शोज में गए, कैसे रहा बॉलीवुड में एंट्री कैसे मिलती है? यहाँ बहुत सारी पब्लिक बैठी है जो ये जानना चाहती है कि घुसेंगे कैसे, अंदर कैसे जाएंगे। मुझे लगता है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप ये कर लें तो आप अंदर घुस जाएंगे या आपको ब्रेक मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जो जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं, वो एक्टर की ट्रेनिंग होती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोई भी और आर्टिस्ट अपनी फील्ड में ट्रेन करता है, वैसे एक्टर को भी ट्रेन करना चाहिए। तो अगर आप एक्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको NSD या DSM, जहाँ से मैं पढ़ाऊँ, या FTII, या ऐसे कई किस्म के कई अलग अलग स्कूल्स हैं पूरे भारत भर, जहाँ आपको जाके ट्रेन करना चाहिए। आपको एक्टिंग के स्किल और एक्टिंग के क्राफ्ट के बारे में जानना चाहिए इसके पहले कि आप मूवीज में ट्राई करें। और एक बात बताइए गुरु, लोगों को बॉलीवुड में एंट्री बड़ी मुश्किल से मिलती है, आप इतनी कम उम्र में हॉलीवुड पहुंच गए, वो क्या कहानी है? देखिए ये सब भाग्य का बात है, किस्मत का बात है। सपना तो सब कोई देखता है, पर मुझे लगता है कि ये वाइट टाइगर जब मैंने शूट की उसके लिए रिलीज़ के कुछ महीने पहले, जो मेरे डायरेक्टर थे वाइट टाइगर के, रमीन बहरानी नाम है उनका,
उनके एजेंट ने फिल्म देखा और उन्होंने डायरेक्टली मुझे पूछा कि क्या आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए अमेरिका में। उनकी एक एजेंसी जिसके लिए वो काम करते हैं उसका नाम WME है। तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने ऑब्वियसली बोला कि हाँ, मैं यू नो इट्स ऑलवेज बिन माई ड्रीम कि मैं काम करूँ इंडिया के बाहर भी। तो उस तरीके से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। पर 3 साल में मैंने लगभग 250 या 300 ऑडिशन दिए होंगे और 9 या 10 महीने पहले मुझे मेरा पहला ब्रेक वहाँ पे मिला। तो कम से कम 300 फेलियर्स के बाद वो एक ब्रेक मिला और उस शो का नाम एलियन है, जो निर्देशक और प्रोड्यूसर रिडली स्कॉट, जिन्होंने ग्लैडिएटर और एलियंस बनाई है, उन्होंने प्रोड्यूस की है, और नोआ हॉली नाम के एक निर्देशक है जिन्होंने फार्गो नाम की एक सीरीज बनाई है नेटफ्लिक्स पे, वो डायरेक्टर और शो रनर है। मॉर्फियस, द ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम्स, फेवर्स द वंस हु डेयर टू ड्रीम। और इतने सारे फेलियर के बीच आपके डेयर टू ड्रीम मूवमेंट कुछ रहा? डेयर टू ड्रीम मूवमेंट जी, मतलब देखिए बात यह है कि जब बाहर से लोग जब देखते हैं किसी का एक काम, तो वो बस एक, उनको एक एग्जांपल वो सक्सेस का दिखता है, पर उसके पीछे जैसे कि मैंने कहा कि वो 300 जो फेलियर्स है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। फेलियर्स आर ऑलवेज अ बिगर पार्ट ऑफ योर जर्नी देन सक्सेसेस। तो मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से आप फेलियर को हैंडल करें वो आपका सक्सेस डिफाइन करता है। बिल्कुल, हम पब्लिक के बीच जाएंगे, वहां से किधर से सवाल पूछना है लोगों को, अपने हाथ ऊपर कर देंगे। हाँ शुभम, इधर आगे आ जाओ, इधर और भी माइक लेकर के इधर भी लोग आ जाइए ताकि आसानी हो जाए। हाँ दीपक, इधर आ जाओ जी। हाँ पहला सवाल दीजिए इनको। हेलो आदर्श। हेलो। वो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी सुपरमैन, थोड़ा माइक पास रखिए। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी सुपरमैन ऑफ मालेगांव जो उस वक्त शूट हुई थी जी, और ये आपकी जो मूवी है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, ये दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? डिफरेंस ये है कि वो जो डॉक्यूमेंट्री थी फैजा खान की, बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है, वो जो है वो जो सुपरमैन फिल्म है उस फिल्म को बनाने के जर्नी के ऊपर में है। ये जो पिक्चर है जो रीमा काकती ने बनाई है जिसमें मैं हूँ, वो उस इंसान की जर्नी है। तो एक फिल्म की जर्नी है और एक इंसान की पूरी जर्नी है, ये डिफरेंस है दोनों में। हेलो सर, मेरा नाम गगन है और मैं MP से हूँ। हाय गगन, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मैंने आपकी मूवी देखी व्हाइट टाइगर, काफ़ी अच्छी लगी। शुक्रिया भाई। सर उसमें प्रियंका मैम ने कैसे आपको हेल्प की और वो कैसी हैं एज अ एक्टर आपके साथ काम करने में? वो जानना चाहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने आपकी कैसी हेल्प की और उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? मतलब यू नो बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ मुझे काम करने का मौका मिला मेरे करियर के शुरुआती दिनों में। बहुत ऑथेंटिक है वो, और मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है उनमें कि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बावजूद भी इतनी सिक्योर और इतनी ईजी है वो सेट पर। कभी आपको लगता नहीं है कि आप किसी बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हो, और मुझे लगता है कि सेट पे रिलैक्स्ड होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान जाके घबरा जाता है इतने बड़े बड़े दिग्गज एक्टरों को देख के ना, और वो मुझे लगता है कि वो फिर उन एक्टरों के ऊपर है कि वो कैसे दूसरे इंसान को फील करवाएं। वो उसको रिलैक्स्ड भी फील करवा सकते हैं, आप ऐसे भी वो आपको फील करवा सकते हैं कि आप छोटे एक्टर हैं और वो बड़े एक्टर हैं, और वो मुझे एक दिन एक सेकेंड भी वैसे फील नहीं हुआ। तो क्योंकि मैं रिलैक्स्ड था, मैं अपने कैरेक्टर पर फोकस कर पाया, अपने काम पर फोकस कर पाया, तो यही सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था। आगे देखो MP में। जिनका भी सवाल होगा हाथ ऊपर कर दीजिएगा, उधर पीछे। हाँ मैं आपका सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब इसमें आप व्हाइट टाइगर में जी बलराम हलवाई का रोल प्ले कर रहे थे, तो आपने कई जगहों पे सच में काम किया था ऐसा लोग बताते हैं जी। साकेत में मैंने काम किया था, साकेत कोर्ट के पास एक रेडी है छोटी सी। तो बेसिकली मैं जब मुझे व्हाइट टाइगर मिला, मैं उस समय इतना ज़्यादा, अभी भी हूँ उतना ही भूखा, पर उस समय भी उतना ही भूखा था कि मुझे अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव करना था। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ जो मैं बलराम के कैरेक्टर को, किरदार को समझने के लिए मुझे ज़्यादा हेल्प करे, और ये मैं अपनी पहली रोल से, पहले कैरेक्टर से करता आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं झारखंड के गाँव में गया, वहाँ पर मैं 1.5 महीना रहा, लहजा सीखा मैंने, उनकी बातें सुनी, समझा कि क्या एक इंसान जो शहर से कट ऑफ है उनके क्या सपने होते हैं, यू नो। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया, और मुझे एक्चुअली ड्राइविंग करना था, किसी के लिए ड्राइवरी करना था, लेकिन वो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था वो चीज़ करना। तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं किसी रेडी पे या ठेले पे काम करूं 2 हफ्ते, ताकि वो मुझे समझ में आए कि होता क्या है एक्चुअली गाली खाना। तो 2 हफ्ते जो, और ऐसा काम करना जो आपको बिल्कुल करने का मन नहीं हो। तो फिर मैंने साकेत में अंडर अ फॉल्स आइडेंटिटी, मैंने अपनी ID कार्ड नहीं दिखाई, तो कई सारे दुकानों पर मैं गया, पर सब लोग मुझे ID कार्ड के लिए पूछते थे, और मुझे अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना था। तो फाइनली मुझे एक ऐसा एक रेडी मिला जिसका कोई नाम भी नहीं था, वो बेनाम रेडी था,
और वहाँ पे उस इंसान ने मुझे बिना आईडी कार्ड के 100 रुपये दिहाड़ी के लिए वहाँ पे काम के लिए रखा। वहाँ पे मैं प्लेट धोता था, झाड़ू पोछा लगाता था, और जो सुबह उनको जो सामान लगते थे उनके कुकिंग के लिए वो मैं उनके लिए लाता था। क्या बात है। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। मतलब इसके लिए तो जोरदार तालियां बनती है। हमें दिखता है कि एक्टर करेक्टर प्ले कर रहा है, लेकिन उसको जी करके इस तरीके से उसमें घुल मिल जाना। जी, उनका सवाल पीछे से। जी, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है, और मेरा क्वेश्चन आपसे आदर्श ये है कि आप जो भी सीरियस काम करते हैं वो तो अच्छा करते ही हैं, लेकिन मैं आपका फैन कॉमेडी में भी हूँ, जो मैं हॉस्टल डेज की बात कर रहा हूँ। तो क्या कारण रहा उसको ना कंटिन्यू करने का? ना कंटिन्यू करने का, यार मैंने 2 सीजन कर लिए थे हॉस्टल डेज के, और मुझे लगता है कि अंकित पांडे को मैं जितना एक्सप्लोर कर सकता था बतौर एक्टर वो मैंने कर लिया था, तो मुझे लगा कि मुझे किसी और किरदार को एक्सप्लोर करना चाहिए। बाकी मुझे TVF का मैं हमेशा बहुत बड़ा फ़ैन रहूँगा, और मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझे हॉस्टल डेज में सीजन 1 में ब्रेक दिया, जब मेरे पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था, जब मेरी कोई आइडेंटिटी थी नहीं, उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया एज एन एक्टर, बतौर एक्टर, और उन्होंने मुझे काम दिया, तो मैं हमेशा उनके तरफ वो यू नो आई बी थैंकफुल टूवर्ड्स हिम। बट हर किरदार की एक शेल्फ लाइफ होती है, और मेरे लिए अंकित पांडे की शेल्फ लाइफ वहां खत्म हो गई थी। जी, अगला सवाल दीपक। हाय गौरव। हेलो भाई। मेरा सवाल ये है, अभी आपकी रीसेंट सीरीज आई थी गन्स ऑफ गुलाब, उसमें आपका कैरेक्टर बहुत ही अजीब तरीके से पोर्ट्रे किया था, कि एक टाइम पे यू आर काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टू योर फ्रेंड, और फिर एंड में जो है यू हैड टू किल योर ओन फादर, बट उसमें आपका गेटअप अलग था। हाँ। तो उस एंडिंग में कुछ समझ नहीं आया कि लाइक डिड द कैरेक्टर चेंज इट्स जेंडर, या फिर डिड इट फाइंड इट्स ओन आइडेंटिटी? सो बेसिकली जो जुगनू का जो किरदार है वो बहुत कॉम्प्लेक्स किरदार था। जुगनू को बचपन से अपने आइडेंटिटी और जेंडर के बारे में क्राइसिस था, वो खुद को समझ नहीं पाते थे जुगनू जो है। तो ऐसे छोटे छोटे हिंट्स हमने ड्रॉप किए थे, जहाँ पे इवन दो ही वॉज बायोलॉजिकली अ मैन, ही वुड आइडेंटिफाई एज अ वुमन, तो इसीलिए वो अपने मेल जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे उनसे भी अट्रैक्टेड थे, और कहानी के ख़त्म होते होते कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं बायोलॉजिकली तो मैं मेल हूँ पर एक्चुअली फीमेल बनना चाहता हूँ। इसीलिए वो लास्ट वाले सीन में वो साड़ी पहन के जुगनू आते हैं अपने हॉस्पिटल में, और क्योंकि वो अपने बाप के शैडो में और उनके प्रेशर में दबे नहीं रहना चाहते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं होता, और वो उनको। आकाश प्लीज खड़े हो जाइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में काम किया है, तो उन दोनों के वर्क कल्चर में क्या कोई ऐसा मेजर डिफरेंस है, और अगर है तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया? वर्क कल्चर में मेजर डिफरेंस मैं यही कहूंगा कि शायद समय का डिफरेंस है, वो लोग ज्यादा समय दे पाते हैं फॉर्मुलेशन को, आइडिया के, और उसके एग्जीक्यूशन को भी, बस यही फर्क है। बाकी तो मुझे लगता है कि जो सिनेमा का जो मीडियम है वो यूनिवर्सल है, लैंग्वेज वही है। कोई भी जब सिनेमा बनाने जाता है या फिल्म बनाने या सीरीज बनाने आता है, कोई नहीं ये नहीं सोचता कि मैं बुरी शो बनाऊंगा या बुरी पिक्चर बनाऊंगा, बनाना तो सबको अच्छा होता है, पर वो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, टेक्निकल फैक्टर्स और कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं फाइनली कि आपका शो या फिल्म कैसे बन के आया है। पर वो जो जज्बा होता है और स्पिरिट होता है वो वही होता है, जो यहाँ पे है वही वहाँ पे भी है। दीपक। हाँ। हेलो। हेलो। सर, आपने माय नेम इज खान में काम किया है। जी। इट्स अ वंडरफुल फिल्म एज वी नो। मैं जानना चाहूंगी कि एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट हाउ इज इट टू बी ऑन अ सेट, एक चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए हाउ इज इट टू बी ऑन अ सेट? पहली बात तो थैंक यू। मैंने माय नेम इज खान के लिए शूटिंग की थी, मैं 14 साल का था, मुझे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैं एक्चुअली मेरी जो हिस्ट्री है वो क्लासिकल सिंगिंग से जुड़ी हुई है। मैं जब 5 साल का था मैंने तब हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखना शुरू किया, और 2007 में मेरे पिताजी का तबादला हुआ बॉम्बे, और इसलिए मेरी परिवार जो है वो बॉम्बे शिफ्ट हो गई, और एक स्टेज शो में परफॉर्म करते करते मुझे एक एक्टिंग कोऑर्डिनेटर जो होते थे उन्होंने देखा, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम एक्टिंग करना चाहते हो, और शायद क्योंकि मैं 14 साल का था, मेरे अंदर कोई रिजर्वेशंस नहीं थी और कोई प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं थी चीज़ों को लेकर, और इसीलिए मैंने हाँ कह दिया। अगर मुझे
30 इयर्स आज की उम्र में मुझे अगर कोई पूछे कि क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज करनी है जिसमें इतना ज्यादा रिस्क है और उसका पे ऑफ इतना अनसर्टेन है, मैं शायद ना कहता. लेकिन उस टाइम मैंने हाँ कह दिया. और माय नेम इज़ खान भी जो रोल मुझे मिला वो एक साल के ऑडिशनिंग के बाद मिला. तकरीबन 100-150 रिजेक्शन हुए होंगे और उसके बाद मुझे माय नेम इज़ खान मिला. जब वो मिला तो मुझे याद है मेरे परिवार में सब इतने एक्साइटेड थे क्योंकि किसी ने आज तक मेरे परिवार में एक फिल्म सेट देखा भी नहीं था. तो ऐसा लग रहा था कि बारात में आ गए, कि हर दिन अलग अलग लोग मेरे परिवार में आते थे कि सेट देखें और सेट में खाना खाएं और 25 किस्म के जो जो पूरा टेंट लगता था खाने का. तो हम उस चीज़ से ज़्यादा एक्साइटेड थे, बल्कि ना कि के कैरेक्टर क्या है, रोल क्या है. वो एक्सपीरियंस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. और इसलिए भी शायद क्योंकि सबको लगा कि ये गलती हो गया है और इसके बाद ये गलती रिपीट नहीं होगा. बट यू नो, कहीं ना कहीं चीज़ें चलती गईं और मैं भी रोल्स प्ले करते गया. तो यही मेरा एक्सपीरियंस था. थैंक यू आदर्श. मैं इसी सवाल का आगे का सवाल पूछना चाहता हूँ कि पूरा गंस आपने जब ये फिल्म शूट की माय नेम इज़ खान, इस पूरी शूटिंग के दौरान आपकी शाहरुख खान से मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं हुई शाहरुख खान से मुलाकात. मेरी शाहरुख खान से मुलाकात किस्मत से पिछले साल दिसंबर में हुई, आर्चीज के प्रीमियर के बाद. तो क्या हुआ था उस टाइम पे? कुछ बात हुई, उन्होंने कुछ कहा? सर मैं सच कहूँ ना तो आपने आज तक जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं शाहरुख खान के बारे में, मेरी कहानी एग्जैक्टली वही है. वो इंसान इतना मैजिकल है कि पहली बात तो उसको इतना इंटरेस्ट है किसी और को जानने में कि मैं उनके लिए तो कुछ हूँ नहीं ऑब्वियसली, लेकिन मैं उनसे जैसे ही मिला उन्होंने मुझे मेरे काम के बारे में बताना शुरू कर दिया. इसके पहले कि मैं उनको बता सकता कि सर ये मोमेंट मेरे लिए कितना मैटर करता है, उन्होंने मुझे गन्स एंड गुलाब्स के बारे में बताना शुरू कर दिया कि उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी और उनको कितनी अच्छी लगी. और बहुत कमाल के इंसान है यार वो. मतलब आधा घंटा उन्होंने मुझसे बात किया और मेरे जाने के बाद नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग टीम जो थी ना, उन्होंने उनके साथ भी एक घंटे बात किया. और ऐसे जगह पे जहाँ पे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ सब लोग थे उस पार्टी में, बट वो नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग टीम से भी उतनी देर बात की जितनी देर उन्होंने मेरे से बात की. और मेरे बाद कोई और एक्टर भी था जिसने जस्ट काम करना शुरू किया था, उसके साथ भी उन्होंने उतनी देर बात की. तो वो कमाल के इंसान है और वही कारण है कि आज वो इतने सक्सेसफुल और इतने यू नो इतने बड़े सुपरस्टार क्यों हैं. शाहरुख के फैन बहुत ढेर सारे हैं यहाँ पे, शाहरुख खान के फैन पीछे तक हैं. आपके पैर क्यों कांप रहे थे जब आप उनसे मिल रहे थे? यार अब बचपन से जिनको आपने टीवी पे देखा हो और पॉप कल्चर का उतने बड़े पार्ट हो तो पैर तो थोड़े थोड़े बहुत तो कांप ही जाते हैं. ठीक है अगला सवाल. मैं सलोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं सलोनी गौर को यहाँ देख रहा हूँ और मैं सलोनी गौर को आप लोग सब जानते होंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो में बैठी है. जोरदार तालियां. सलोनी यहाँ आगे बैठी हुई हैं और ये मेरी दोस्त शुभम गौर की भी बहन है. शुभम गौर और मैंने हॉस्टल डे साथ में किया था. तो थैंक यू फॉर कमिंग सलोनी. हाय गौरव पुलकित. हाय पुलकित. मैंने आपको हॉस्टल डेज और खो गए हम कहाँ जिसमें आपका नील का कैरेक्टर काफी अच्छा था, तो मैं जानना चाहता हूँ ओटीटी की वजह से आप जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को कितना फायदा हो रहा है. मतलब आप अपने जिस तरह के रोल्स करना चाहते हैं वो इजीली आप कह सकते हैं कि मुझे ऐसा करना है. क्या आपका मन लगता है ओटीटी के? डेफिनेटली जब प्लेटफॉर्म्स आई थी इंडिया ना 6-7 साल पहले, वो एक अलग तरीके से मार्केट को देख रही थी. और सही में ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जिनको अदरवाइज फिल्म्स में शायद इतना आसानी से काम नहीं मिल पा रहा था, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में मिल रहा था. बट आई थिंक ओवर द लास्ट सिक्स मंथ्स टू वन ईयर वो चीज़ थोड़ी चेंज होने लगी है. मैं होप कर रहा हूँ कि जिस तरीके से और जिस इंटेंशन से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने शुरू किया था इंडिया में काम करना, कि अच्छी राइटिंग, अच्छे एक्टर्स, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स, ऐसे लोगों को वो मौका दें जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, जिनका मुद्दा और जिनका पॉइंट पैसा बनाना नहीं या फेम बनाना नहीं है, बट जेन्युइनली एक पीस ऑफ आर्ट बनाना है जो विच स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम. तो मैं होप कर रहा हूँ कि वो चीज़ वापस लौट के आए. बट मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ऑफकोर्स नेटफ्लिक्स और अमेजोन का, क्योंकि आई ओ माई करियर टू देम. वो वाइट टाइगर भी है, हॉस्टल डेज भी है, लैला भी है, गन्स एंड गुलाब्स भी है. इनफैक्ट मेरा ऑलमोस्ट सभी काम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही आया है. सुपर वॉइस ऑफ मालेगांव विल बी माई फर्स्ट थिएट्रिकल आफ्टर 8 ईयर्स. रुक करके मैंने एक बहुत छोटी फिल्म की थी 2016 में, उसके बाद सुपर वॉइस ऑफ मालेगांव मेरी पहली फिल्म होगी जो थिएटर्स में रिलीज होगी. तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो थिएटर्स में और अल्टीमेटली वो भी अमेजोन पे आएगी. तो जी अगला सवाल.
आदर्श भाई कैसे हो आप? एकदम बढ़िया भाई, आप कैसे? आपका पूरा नाम आदर्श गौरव है? आदर्श गौरव भागवतुला। हाँ, तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है आदर्श गौरव, आदर्श आपका नाम इसकी है, गौरव स्पेलिंग गलत है। अच्छा, आदर्श आपका नाम है, गौरव किसका नाम है? गौरव भी मेरा ही नाम है भाई। एक्चुअली मेरे भाई का नाम, बड़े भाई है मेरे 7 साल बड़े, उनका नाम वशिष्ठ गौतम है। तो जैसे बिहारियों में उनके 2 फर्स्ट नेम्स होते हैं, तो मैं तेलुगू, मेरा साउथ, मेरा मदर टंग तेलुगु है, तो तेलुगु लोगों में भी 2 फर्स्ट नेम्स होते हैं, तो उनका वशिष्ठ गौतम नाम रखा गया और मेरा नाम आदर्श गौरव रखा गया। मुझे लगा कि आपने अपने दादा का या पापा का कुछ लगा लिया होगा। यार अगर पापा का नाम रखता ना तो आदर्श गौरव सत्यनारायणा भागवतुला हो जाता, बहुत लंबा हो जाता वो। पीछे से उधर साइड में शुभम, हाँ इधर दीपक, इधर चले जाओ पीछे। सर हेलो। हेलो सर। हाँ सर, आपने गन्स एंड गुलाब, हाँ सॉरी मैं उसका नाम भूल गया सर, आपने उसमें जो रोल किया था, और हम सब जानते हैं कि आपके फादर का रोल सतीश जी ने किया था, तो सर उनकी कोई आखिरी मेमोरी अगर आपको याद हो कि काम के दौरान? मैं उनके ऑफिस में उनसे एक्चुअली मिलने गया था। ओके। सुपरवॉइज ऑफ मालेगांव की शूट करने के पहले मुझे बहुत मज़ा आता था सतीश सर के साथ, क्योंकि बहुत कहानियाँ सुनाते थे हमेशा, और ऐसी कहानियाँ जो आप आमतौर पे सुनते नहीं हो, क्योंकि वो 70s के दशक में बॉम्बे आ गए थे, और ऐसे टाइम पे आए थे जब बॉम्बे टैक्सी से ऑटो रिक्शा में ट्रांजिशन कर रहा था। उस टाइम पे ऑटोज आए नहीं थे बॉम्बे में, तो उनकी कहानियाँ मुझे बहुत, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी है और ख़ास करके बॉम्बे की हिस्ट्री मुझे बहुत फैसिनेट करती है, तो मैं बहुत उनसे सवालें पूछता था कि आपके समय में वर्सोवा जो है, एरियाज़ जो हैं अलग अलग बॉम्बे में, वो कैसी दिखती होंगी या क्या स्पेशल था वगैरह। पर मेरी आखिरी मेमोरी उनके साथ उनके ऑफिस में बैठ के कॉफ़ी पीना था, और बहुत कमाल के इंसान थे यार, एंड आई एम यू नो आई फील टेरेबल कि वो अब है नहीं हमारे साथ, लेकिन आई फील लाइक वो इतने कमाल के ना सिर्फ इंसान हैं बट आर्टिस्ट हैं, कि इतना लार्ज बॉडी ऑफ वर्क वो अपने पीछे छोड़ के गए कि हम उनको आज जीवन सेलिब्रेट कर सकते हैं सतीश कौशिक जी को। जी बिल्कुल सही। इसके बाद अब सवाल, आखिरी सवाल है, लास्ट सवाल है, उधर से ले लीजिए। हाय आदर्श। हेलो भाई। आई एम योर बिग फैन। मैंने आपकी मोस्टली सारी मूवीज देखी हैं, और OTT प्लेटफॉर्म्स वाले जो वेब सीरीज रहे हैं, मैंने आपका एज एन आर्टिस्ट रेंज बहुत अच्छा देखा है। आपने काफ़ी वैरायटी के और काफ़ी स्टीरियोटाइप ब्रेक करने वाले रोल्स किए हैं। थैंक यू। आप ऐसा लगता है कि काफ़ी एम्बिशियस एज एन आर्टिस्ट, काफ़ी एम्बिशियस हो, तो आगे आप ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं या निभाना चाहते हो, या ऐसा कोई कैरेक्टर आपके साथ जुड़ा हो जो आप करना चाहोगे? थैंक यू यार, वेरी काइंड ऑफ यू। ऐसा कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर तो है नहीं जो मैं सोचा हूँ कि मुझे ये करना है या कुछ। मुझे दिलचस्पी है ऐसे लोगों के साथ काम करने में जो यूनिक हो और जो थोड़े ऑफ हो। मुझे ऑफ सेंटर लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है, मिस्टीरियस लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है, जिनको आप पहली मीटिंग में समझ नहीं पाते हो, क्योंकि फिर मेरे लिए वो भी एक टास्क हो जाता है कि मैं पूरे शूट में उस इंसान को समझने की कोशिश करता हूँ और उसके विजन को समझने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी बस यही एक तमन्ना है कि मैं बस ऐसे लोगों के साथ काम करता जाऊँ जो थोड़े ऑफ हों। कौन? मैं विक्रमादित्य मोटवाने के साथ काम करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। चलिए, समय की कमी है, ये सेशन हमको यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। आदर्श, आपकी आने वाली फिल्म के लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। कमाल है, बहुत जोरदार तालियों से आदर्श को शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोग इतने सारे लोग आए, बहुत मजा आया मुझे एक बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।